बड़ी खबर आपको हम बता दें, फतेहाबाद के टोहाना में बहुचर्चित रेप कांड मामला, दुष्कर्मी जलेबी बाबा को आज सजा का ऐलान होगा। 5 साल बाद आज सजा का ऐलान किया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जलेबी बाबा जिसने 120 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया था, दोषी करार दिया जा चुका है और आज सजा का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बहुचर्चित ये मामला 2019 में जो सामने आया था, जब पुलिस में शिकायत दी गई थी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फतेहाबाद के टोहाना में बहुचर्चित रेप कांड मामला, दुष्कर्मी जलेबी बाबा को आज जो सजा का ऐलान होगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फतेहाबाद के टोहाना में बहुचर्चित रेप कांड मामला है। बहुचर्चित रेप कांड मामला जब सामने आया था तो इस मामले ने सभी की नींद को उड़ा दिया था। आखिर क्या था ये मामला, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे निकलकर सामने आई, वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। 100 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे और 7 महिलाओं ने बाबा के खिलाफ बयान दर्ज करवाया था। तो 7 महिलाओं ने बाबा के खिलाफ बयान दर्ज करवाया था। कई वीडियोज जो है जलेबी बाबा की वो सामने आई। 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने 30 अश्लील सीडी हासिल भी की थी। जांच के दौरान 100 से ज्यादा अश्लील सीडियां बरामद की गई और सीडी में बाबा की वॉइस भी थी और इस वॉइस की एफएसएल जांच हुई थी और दोनों आवाज सही मिली थी। जलेबी बाबा को जेल के सलाखों के पीछे भेजने में नाबालिग लड़की के बयान ने अहम भूमिका निभाई है। तो जलेबी बाबा पहले टोहाना में जलेबी की रेड़ी लगाता था और इसीलिए नाम जलेबी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। तंत्र मंत्र के बहाने महिलाओं को चाय में नशीला पदार्थ डालकर उन्हें बेहोश कर दिया करता था और उसके बाद दुष्कर्म किया करता था। महिलाओं को बेहोश कर उनके साथ उत्पीड़न उनका करता था और बाद में वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। बाबा महिलाओं की वीडियो दिखाकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। बाबा के बेटे की बहू ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज करवाए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसपाल, तो आज कैसी सजा की दरकार है समाज में, जिससे आने वाले समय में जो इस तरीके का ख्याल रखते हैं उन लोगों को एक सबक मिले? जी बिल्कुल दीपशिका, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के टोहाना का ये बहुचर्चित रेप कांड है, क्योंकि इसे देश का सबसे बड़ा रेप कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि 120 महिलाओं के साथ इसने जो है दुष्कर्म किए हैं, गलत काम किया है। तो ऐसे में आज जो है इसको 5 साल बाद जो है इसको सजा का ऐलान होगा, जिसमें इसमें करीब 6 महिलाओं ने इसके खिलाफ बयान दिए थे और एक इसमें नाबालिग लड़की थी जिसकी वॉइस थी, जिसकी एफएसएल जांच हुई। एफएसएल जांच के बाद इसको जो है दोषी माना गया और इसकी जो वॉइस है वो पहचानी गई है। और अब इस जो है करीब 5 साल बाद आज इसको दोपहर बाद जो है इसको सजा जो है वो सुनाई जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेप कांड है, एक लोगों के लिए एक सबक जरूर है, क्योंकि इस तरह के बाबा जो देश के अंदर हैं और वो लोगों को गुमराह करके और उनके साथ इस तरह की हरकत करते हैं, तो आज एक बड़ा दिन है, इस बाबा को आज सजा मिलेगी, तो दोपहर बाद आज सजा का ऐलान होगा। जी बिल्कुल जसपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस सजा का ऐलान होगा दोपहर बाद। फतेहाबाद की टोहाना में बहुचर्चित रेप कांड का आरोपी है दुष्कर्मी जलेबी बाबा को आज सजा का ऐलान होगा।